आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भगवान विष्णु के रूप माने जाने वाले श्री वेंकटेश्वरा स्वामी का भव्य मंदिर बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु भगवान श्री वेंकटेश्वरा स्वामी के दर्शन करते हैं। तिरुपति में आप कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, मंदिर में दर्शन कैसे करने हैं और तिरुपति बालाजी के दर्शन हो जाने के बाद तिरुमाला में और तिरुपति में आप कौन कौन सी जगह पर जा सकते हैं, इस वीडियो में आपको ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तिरुपति बालाजी आने के लिए आपको आंध्र प्रदेश के तिरुपति रेलवे स्टेशन तक आ जाना होगा या फिर आप रेणिगुंटा रेलवे स्टेशन तक भी आ सकते हैं। तिरुपति पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दर्शन टोकन लेना होगा। स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट आप 2.5 महीने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कर ले या फिर यहां आने के बाद तिरुपति रेलवे स्टेशन के बाहरी विष्णु निवासम से आप सर्वदर्शन फ्री टोकन ले सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन रूम बुक नहीं किया है तो यहां पर आप 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक ऑफलाइन रूम भी ले सकते हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले ऐसी मान्यता है कि पहले आपको पद्मावती देवी के दर्शन करने होते हैं, इसीलिए सबसे पहले हम आ चुके हैं पद्मावती अम्मावारी टेंपल में। तिरुपति बालाजी की 2 पत्नियां थी, उन्हीं में से एक पद्मावती देवी है जो तिरुपति बालाजी से नाराज होकर वैकुंठ धाम से उतरकर धरती पर मनुष्य रूप लेकर आ गई थी। फिर तिरुपति बालाजी भी उन्हें मनाने के लिए धरती पर मनुष्य रूप लेकर आए थे और उन्होंने पद्मावती देवी के साथ फिर से विवाह किया था। तिरुपति सिटी से तिरुपति बालाजी का मंदिर 22 किलोमीटर की दूरी पर तिरुमाला के पहाड़ों पर बना हुआ है। तिरुमाला जाने के लिए तिरुपति रेलवे स्टेशन के बाहरी APSRTC की AC और non-AC बसेस हर 10 मिनट में मिल जाती है। non-AC बस का 90 रुपए और AC बस का 110 रुपए का टिकट होता है। तिरुमाला जाने से पहले बस आपको इस वाले सप्तगिरी चेक पॉइंट पर ले आएगी। यहाँ पर सभी यात्रियों की चेकिंग की जाती है, लगेज के साथ ही प्राइवेट कार की भी चेकिंग होती है और उसके बाद बस आपको घाट रोड से पहाड़ों के ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाते हुए तिरुमाला पर लेकर जाती है। आप चाहो तो तिरुमाला पैदल चलकर भी आ सकते हैं। जहाँ पर सप्तगिरी चेक पॉइंट आता है ना, बस वहाँ से 500 मीटर के डिस्टेंस पर अलीपीरी गेट है। अभी हम अलीपीरी आ गए हैं। यहाँ के लगेज काउंटर्स पर आप अपना लगेज जमा करवा दे। लगेज की स्कैनिंग होके जमा होने के बाद आपको एक टोकन दिया जाता है। यहाँ से हमें 3,550 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना होता है। करीब 9 किलोमीटर का सफर तय करने में हमें 4 से 5 घंटे का टाइम लग जाता है। अगर आपकी कोई मनोकामना है और वो पूरी हो जाती है तब आप चाहो तो अलीपीरी मार्ग से आ सकते हैं। सबसे पहले शुरुआती चढ़ाई में हमें कई सारे मंदिरों के दर्शन करके आगे का रास्ता तय करना होता है और ऐसे ही कई मंदिर आगे आते भी रहते हैं। इस मार्ग पर हमें बीच बीच में कई बड़े बड़े गोपुरम भी देखने को मिलेंगे, जिनमें से मुख्य रूप में राजा गोपुरम, मैसूर गोपुरम और गली गोपुरम शामिल है। कई भक्त हर सीढ़ी को हल्दी और कुमकुम लगाते हैं या फिर कपूर जलाकर आगे बढ़ते हैं और ये भगवान श्री वारी के प्रति उनका प्यार दर्शाता है। पूरा तिरुपति शेषाचलम के जंगलों से घिरा होने के कारण रास्ते में आपको कई जंगली जानवर भी देखने को मिलेंगे। सीढ़ियों से बिछड़कर 1.5 किलोमीटर तक हमें घाट रोड भी चलना होता है। इस रास्ते में आपको तिरुपति से तिरुमाला जाने वाली काफी सारी बसेस नजर आएगी। कुछ देर चलने के बाद हम पहुंच गए मोकालामित्तु गली गोपुरम तक। ये यहाँ का लास्ट गोपुरम है। अभी हमें 3 किलोमीटर और चलना है और यहाँ से इन 700 दिव्य सीढ़ियों को पार करना होगा, तब जाकर हम तिरुमाला पहुंच पाएंगे। इन दिव्य सीढ़ियों पर कई भक्त घुटनों के बल चढ़ाई करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तिरुपति बालाजी के प्रति लोगों की कितनी आस्था जुड़ी हुई है और होनी भी चाहिए। श्री वेंकटेश्वरा स्वामी सबकी इच्छाएं जो पूरी करते हैं। थका देने वाली सीढ़ियां चढ़कर फाइनली हम ऊपर पहुंच जाते हैं। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर बने लगेज काउंटर पर टोकन दिखाकर आप अपना सामान कलेक्ट कर ले। तिरुमाला में आने के बाद जैसे ही आप थोड़ी दूर चलकर आएंगे, आपको भगवान वेंकटेश्वरा स्वामी जी की यह मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रतिमा नजर आएगी और इस जगह पर सभी भक्तगण श्री वेंकटेश्वरा स्वामी की रेप्लिका मूर्ति के साथ फोटोज क्लिक करते हैं। तिरुमाला में आते ही आपको सबसे पहले ATC सर्कल होते हुए आ जाना है CRO ऑफिस में। यहाँ पर आपको लाइन में लगकर आपके रुकने के लिए रूम बुकिंग करना है। तिरुमाला में आपको 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक AC non-AC रूम मिल जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन रूम बुक किया हुआ है तब भी आपको CRO ऑफिस आकर दिए गए टाइम से पहले रिपोर्ट करना होगा, तभी आपको रूम अलॉट किया जाएगा। अगर आप 1 मिनट भी लेट हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले मंदिर के पास में बने हुए इस स्वामी पुष्करणी में सभी भक्तगण स्नान करते हैं। उसके बाद श्री वारा स्वामी जी के दर्शन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब श्री वेंकटेश्वरा स्वामी यहाँ पर आए थे तो रहने के लिए उन्होंने पहले यहाँ के वारा स्वामी जी से परमिशन मांगी थी। बालाजी मंदिर के अंदर बालाजी की जो मूर्ति है वो किसी ने भी नहीं बनाई थी, वो यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई थी, इसलिए मूर्ति पर जो बाल है वो असली है और तिरुपति बालाजी के हृदय में लक्ष्मी माता का निवास है,
इसी कारण बालाजी को नारी और पुरुष के रूप में पूजा जाता है और उन्हें वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से जाना जाता है। अगर आप तिरुपति बालाजी के पास में खड़े होकर ध्यान से सुने तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। त्योहार या छुट्टियों के समय जब आप दर्शन करने जाते हो तो यहाँ पर आपको दर्शन करने में करीब 10 से 12 घंटे का टाइम लग जाता है और अगर आपके पास में स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट है तो सिर्फ 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। भक्तों को दर्शन मिलने के बाद प्रसाद के रूप में स्वादिष्ट लड्डू दिया जाता है। साथ ही मंदिर परिसर में आने वाले सभी भक्तों के लिए ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क भोजनालय बनाया गया है। यहाँ पर आपको केले के पत्तों पर भोजन परोसा जाता है और ये खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अगर आप तिरुपति बालाजी आते हो यहाँ का भोजन जरूर ग्रहण करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। जब आप मंदिर के पीछे की साइड आओगे तो यहाँ पर आपको म्यूजिकल फाउंटेन भी देखने को मिलेगा। वहीं तिरुमाला की अन्य जगहों पर दर्शन करने के लिए आपको अन्न प्रसादम सेंटर के बाहर ही टैक्सी मिल जाएगी। इन टैक्सी के चार्जेस 200 रुपए पर पर्सन है। वहीं अगर आप APSRTC की बस के माध्यम से जाएंगे तो 120 रुपए में तिरुमाला की 6 जगहों पर आपको घुमाया जाता है और बसेस आपको CRO ऑफिस के पास में ही मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं पाप विनाशम तीर्थम पर। इस जगह पर आने के लिए आपको 5 मिनट सीढ़ियों से चलकर आना होता है और माना जाता है कि इस जगह से जो पानी बहता है वो भगवान विष्णु के चरणों से आता है और यहाँ पर जो स्नान कर लेता है उनके पापों का निवारण हो जाता है। और स्नान करने के बाद सामने ही गंगा देवी मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर भी आपको दर्शन करना होता है। तिरुमाला से यह जगह 5 किलोमीटर की दूरी पर है। पाप विनाशम तीर्थम में दर्शन करने के बाद बस आपको आकाश गंगा लेकर आती है और इसी जगह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी का अभिषेक करने के लिए रोज पानी लेकर जाया जाता है। इस जगह पर नंबी नामक आचार्य रहा करते थे और वो बहुत ही दूर से बालाजी का अभिषेक करने के लिए पानी लाया करते थे। पर एक दिन बालाजी ने बालक रूप धारण करके उनसे पानी मांगा, लेकिन आचार्य जी ने उस बालक से कहा कि पानी मैं बहुत दूर से लाया हूँ, ये पानी मैं आपको नहीं दे सकता। तब बालाजी ने तीर चलाकर इस जगह से पानी निकाला और आचार्य जी से कहा कि आप यहाँ का पानी श्री वेंकटेश्वर स्वामी का अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ का पानी आप अपने घर के लिए भी लेकर जा सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं हमारे तीसरे दर्शनीय स्थल पर। इस जगह का नाम है वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल। इस मंदिर में जाने के लिए आपसे 5 रुपए एंट्री फीस के तौर पर लिए जाते हैं। ये जगह वेणुगोपाल स्वामी मंदिर के नाम से बहुत ही फेमस है। ये एक कृष्ण मंदिर है और हाथीराम जी मठ द्वारा संचालित है। वहीं यहाँ पर हाथीराम बाबा की जीवा समाधि है। हाथीराम बाबा जी श्री वेंकटेश्वर स्वामी के बहुत ही बड़े भक्त थे और राजस्थान के नागौर से आए थे। जब वेंकटेश्वर स्वामी ने बालक रूप में हाथीराम बाबा जी को दर्शन दिए थे तब सबसे पहले उन्होंने श्री वेंकटेश्वर स्वामी को बालाजी कहकर पुकारा था और हाथीराम बाबा जी के साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी रोज आकर चौपड़ पासा खेलते थे जिसे डाइस बोला जाता है। अभी हम आ चुके हैं श्रीवारी पदलू के दर्शन करने के लिए। श्रीवारी पदलू का अर्थ है भगवान तिरुपति बालाजी की चरण पादुका। जब श्री वेंकटेश्वर स्वामी मनुष्य रूप धारण करके धरती लोक पर आए थे तो उन्होंने 7 पहाड़ियों में से नारायणगिरी यानी कि इस जगह पर सबसे पहले अपने चरण रखे थे। यहाँ पर आने के लिए आपको 250 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आना होता है। चरण पादुका के साथ ही यहाँ पर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर के नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। चरण पादुका के दर्शन हो जाने के बाद हम आ जाते हैं शिलातोर्णम गार्डन में। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है और यहाँ पर आपको नेचुरल पत्थरों से जुड़ा हुआ आर्च भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अद्भुत और मिस्टीरियस है। इस गार्डन में आपको पीकॉक, हंस और कई तरह के फ्रूट्स भी दिखाई देंगे। शिलातोर्णम गार्डन घूमने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते ही सीढ़ियों से होकर 2 मिनट चलने के बाद आपको ये वाला तीर्थ नजर आएगा। इसी जगह पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र गिरा था और उस कारण से यहाँ पर तीर्थ उत्पन्न हुआ था और इसीलिए इस जगह को चक्र तीर्थम कहा जाता है। और इसी जगह से 2 मिनट की दूरी पर एक और प्राचीन मंदिर बना हुआ है और साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा वॉटरफॉल भी है। अभी हम जा रहे हैं जापाली हनुमान टेम्पल में। जब आप टैक्सी के माध्यम से तिरुमाला घूमने का पैकेज लेंगे तो उसमें सिर्फ 6 प्लेसेस ही आपको विजिट करवाई जाएगी, इसीलिए जापाली हनुमान टेम्पल में आने के लिए आपको अलग से आना पड़ेगा। लेकिन आप बस के थ्रू आते हैं तो जापाली हनुमान टेम्पल इंक्लूड होता है। तिरुमाला से यह जगह 7 किलोमीटर दूर है और आधे घंटे की सीढ़ियां चढ़कर आपको जाना होता है। कहते हैं कि इस मंदिर में हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति है जो धरती से प्रकट हुई थी। मंदिर के सामने एक कुंड बना हुआ है, इसे राम कुंड कहा जाता है और नीम के पेड़ के नीचे एक और हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन होते हैं। इस मूर्ति पर लोग सिक्के चिपका कर जाते हैं। तिरुमाला में दर्शन हो जाने के बाद अब बारी है तिरुपति में घूमने की।
सबसे पहले हम आ जाएंगे कपिला तीर्थम में दर्शन करने के लिए। ये कपिला तीर्थम तिरुपति रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। कपिला तीर्थम भगवान शिव जी को समर्पित है और इस जगह पर ऋषि कपिल मुनि ने शिवलिंग की स्थापना की थी और यहाँ पर शेषाचलम की पहाड़ियों से बहते हुए झरना बहता है और मंदिर के तालाब में आकर तीर्थम बन जाता है, इसीलिए इस जगह को कपिला तीर्थम कहते हैं। मंदिर में आपको शिव जी और कपिला ऋषि के साथ साथ कई अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन होते हैं और मंदिर के साथ ही मंदिर परिसर का वातावरण भी काफी सुहावना है। यहाँ पर आने के बाद आपको काफी अच्छा फील होगा। कपिला तीर्थम में दर्शन करने के बाद अभी हम आ चुके हैं श्री गोविंद राजा स्वामी वारी टेम्पल में। यह मंदिर तिरुपति रेलवे स्टेशन से मात्र 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है और ये मंदिर तिरुपति का सबसे पुराना और सबसे पहला बना हुआ मंदिर है। इस मंदिर को बनने के बाद ही तिरुपति शहर को बसाया गया था। शाम के समय मंदिर परिसर में आपको यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। अभी हम आ चुके हैं श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क में। ये पार्क तिरुपति से 8 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है और इस पार्क को घूमने के लिए 60 रुपए पर पर्सन एंट्री फीस ली जाती है और ये पूरा पार्क घूमने में आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है और इस जूलॉजिकल पार्क के अंदर एनिमल सफारी भी करवाई जाती है। इसके लिए आपको अलग से 50 रुपए पर पर्सन देना होता है और ये सफारी आपको लायन, टाइगर, लेपर्ड और इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स एकदम नजदीक से दिखाती है। श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क विजिट करने के बाद अभी हम आ गए हैं श्री कालहस्ती मंदिर में। दुनिया का ये एकमात्र मंदिर है जो ग्रहण के समय में भी बंद नहीं होता है। सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली मंदिर में भगवान शिव जी का शिवलिंग चौकोर आकार में है और शिवलिंग को पुजारी भी छू नहीं सकते हैं क्योंकि श्री कालहस्ती शिवलिंग वायु तत्व के रूप में स्थापित है और ये मंदिर शिव जी के चुनिंदा तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ पर भगवान शिव ने मकड़ी, हाथी और सर्प की भक्ति से खुश होकर अपने आप को स्थापित किया था। तिरुपति से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर को राहु केतु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर राहु केतु दोष के निवारण हेतु पूजा भी करवाई जाती है। तिरुपति से हर 5 मिनट में यहाँ के लिए बस मिल जाती है तो आप यहाँ पर भी जरूर आना। तिरुपति से 10 किलोमीटर दूर अभी हम आ पहुँचे हैं श्रीनिवासा मंगापुरम में श्री कल्याण वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल। यहाँ पर ये श्रीवारी कोनेरु कुंड बना हुआ है, इसमें हाथ पैर धोने के बाद आपको मंदिर में प्रवेश करना होता है। ये मंदिर उन लोगों के लिए खास है जिनकी शादी नहीं हो रही है या जिनको मैरिज करनी है, इसीलिए ये मंदिर मैरिज के लिए बहुत ही फेमस है। जब वेंकटेश्वरा स्वामी और पद्मावती जी का विवाह हुआ था तब वे यहाँ पर 6 महीनों के लिए आए थे। इस मंदिर में लोग स्पेशली शादी के लिए ही आते हैं और यहाँ पर बहुत सारी शादियाँ होती हुई आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर शादी के लिए कोई मन्नत मांगने आता है और जब उनकी शादी हो जाती है तब दोनों जोड़े जो भी शादीशुदा होते हैं दोबारा मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर भी आप जरूर आना। अभी हम आ गए हैं श्री वकुला माता टेम्पल में। वकुल देवी श्री वेंकटेश्वरा स्वामी की पालक माँ है। द्वापर युग में विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी की पालक माँ यशोदा जी उनकी शादी में सम्मिलित नहीं हो पाई थी, इसीलिए श्री कृष्ण जी ने उनको कहा था कि कलयुग में आपको मेरा विवाह देखने का अवसर मिलेगा। फिर माँ यशोदा का पुनः कलयुग में जन्म वकुल देवी के रूप में हुआ था। उन्हीं को समर्पित ये मंदिर तिरुपति से 8 किलोमीटर दूर पेरूरु गाँव में बना हुआ है। अभी हम जा रहे हैं प्रसन्न वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल में, जो कि तिरुपति से 16 किलोमीटर दूर अपलाईगुंटा गांव में स्थित है। ये वो जगह है जहां भगवान वेंकटेश्वरा स्वामी ने अपने विवाह के अवसर पर श्री सिद्धेश्वर और अन्य संतों के साथ समूह की शोभा बढ़ाई थी। चूंकि यह मंदिर भगवान और उनकी पत्नी श्री पद्मावती के मिलन की जगह थी, इसीलिए यहाँ आना सबसे सुखद माना जाता है और यहाँ के लोगों का मानना है कि प्रसन्न वेंकटेश्वरा स्वामी की एक झलक मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री प्रसन्न वेंकटेश्वरा स्वामी की मूर्ति अभय हस्ता मुद्रा में है, जिसे परम आशीर्वाद मुद्रा माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1232 एडी में करवेती नगर के राजा श्री वेंकट पेरुमल राजू ब्रह्मा देव महाराज द्वारा किया गया था। मंदिर के सामने भगवान अंजनेय स्वामी का मंदिर भी बना हुआ है और साथ ही मंदिर में आपको देवी पद्मावती और अंडाल देवी के भी दर्शन होंगे, तो यहाँ पर भी आप जरूर आना। अभी हम है अगस्त्येश्वरा स्वामी टेम्पल में। स्वर्णमुखी नदी से घिरा हुआ ये स्थान अगस्त्य ऋषि की तपोभूमि है। अगस्त्येश्वरा स्वामी मंदिर थोंडावडा के प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है और इसे अप्सरा उर्वशी के पुत्र ऋषि अगस्त्य ने बनवाया था। यहाँ पार्वती देवी को आनंदवल्ली के रूप में पूजा जाता है। जब श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह हुआ तब ऋषि अगस्त्य ने श्रीनिवास से कहा कि आप हर दिन पहाड़ चढ़कर ऊपर जाते हो और आपका अभी अभी विवाह हुआ है, आप कुछ दिन यहीं रहकर अपना संसार आरंभ कीजिए।
तब अगस्त्य ऋषि के कहने पर देवी पद्मावती के साथ भगवान श्रीनिवास कुछ महीनों तक इस जगह पर आकर हर दिन भगवान शिव की नित्य पूजा किया करते थे और शाम होते ही श्रीनिवासा मंगापुरम चले आते थे। भले ही हरिहरा के बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, पर ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ एक ही मूर्ति में शिव और विष्णु बने हुए हैं और ये हमें और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हरिहरा के मिलन से अयप्पा का जन्म हुआ था, इसीलिए यहाँ पर अयप्पा की मूर्ति भी स्थापित की गई है। यहाँ रहने के बाद श्री वेंकटेश्वरा स्वामी ने 6 महीनों के बाद पहाड़ चढ़ा, जिसके कारण पूरा तिरुमाला पहाड़ी देवस्थानम बन गया।